बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिस इज़ अफजाल फ्रॉम लाहौर प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज आपके लिए लेके आऊँ 7 मरले का बहुत ही खूबसूरत 6 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ डिज़ाइनर घर, स्पेनिश लुक में डिज़ाइन किया गया, जिसकी लोकेशन है ग्रीन कैप हाउसिंग स्कीम, जो कि मेन फिरोजपुर रोड गजियामता मेट्रो बस स्टॉप के बिल्कुल करीब ये घर लोकेटेड है। घर 6 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ डिज़ाइन किया गया, बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया। आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, स्पेनिश लुक में डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पे इसका मेन डोर डिज़ाइन सबसे पहले चेक करें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया। कारपोच में आते हैं तो यहाँ पे इजली आप एक बड़ी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और साथ में स्पेस बचती है। ऊपर सीलिंग वर्क देख सकते हैं, यहाँ पे डोर मिलते हैं ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज का। दूसरी तरफ यहाँ पे स्ट्रीट है, स्ट्रीट के साथ यहाँ पे पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया है। पाउडर रूम के ऊपर आपको एक गैलरी टाइप मिल जाती है, ये इसका पाउडर रूम है। इसकी प्राइस मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। टोटल 6 बेडरूम का हम विजिट करेंगे। सबसे पहले हम दाखिल होते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के अंदर। यहाँ पे ड्राइंग रूम से हम दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले ड्राइंग रूम आपको मिलता है और खुला यहाँ पे आपको टीवी लाउंज मिल जाता है। सामने 2 बेडरूम की अकोमोडेशन मिलती है और साथ में ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ दी गई हैं। सीढ़ियों के ऊपर आप बहुत ही खूबसूरत स्टेप लाइट का इस्तेमाल किया गया और सिंपल तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। सामने आप देख सकते हैं इसका टीवी लाउंज, नीचे आपको टाइल का इस्तेमाल मिलता है, ऊपर सीलिंग वर्क देख सकते हैं। और साथ में इसका ड्राइंग रूम, जहाँ से आप इजीली ड्राइंग रूम को सेपरेट भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे इसका किचन डिज़ाइन किया गया, ये इसका किचन है, यहाँ पे आपको कबर्ड्स मिल जाती हैं, ऊपर सीलिंग वर्क, फैन आपको इंस्टॉल मिलता है, यहाँ पे अपर और लोअर कबर्ड्स मिलती हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं इसके बेडरूम का विजिट करते हैं। सामने आपको वेंटिलेट मिलती है दरमियान के अंदर दोनों घरों के, जहाँ पे मोटर इंस्टॉल की गई है, अंडर ग्राउंड वाटर टैंक मिलता है। साथ में इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम यहाँ पे डिजाइन किया गया, आप देख सकते हैं नीचे टाइल वर्क किया गया, ऊपर सीलिंग वर्क मिल जाता है ड्रॉप लाइट के साथ। और इसी के साथ यहाँ पे इसकी कबर्ड्स मिल जाती हैं हमें, फोर डोर सेक्शन के अंदर कबर्ड्स यहाँ पे मिल जाती हैं। और साथ में इसका अटैच बाथ, बाथ में जो एसेसरीज है वह अभी इंस्टॉल होने वाली है, तमाम जो एसेसरीज है वो इंस्टॉल करके देंगे। और यहाँ से हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। अभी घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है, पेंट का काम कुछ रहता है और इसी के साथ एसेसरीज तो इंस्टॉल होने वाली है। ये इसका सेकंड बेडरूम है, ऊपर सीलिंग वर्क देख सकते हैं, फैन यहाँ पे आपको इंस्टॉल करवा देंगे पूरे घर के अंदर। और ये इसकी फोर डोर सेक्शन के अंदर वार्डरोब्स और साथ में इसका अटैच बाथ। बाथ में अगेन इंडियन कमोड की ऑप्शन मिलती है, सीटेड कमोड भी आपको यहाँ दोनों ऑप्शन मिलेंगी। और यहां से हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सीढ़ियों के ऊपर खूबसूरत स्टेप लाइट का इस्तेमाल किया गया, मार्बल का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम 3 बेडरूम का विजिट करेंगे। फर्स्ट फ्लोर को सेपरेट किया गया, ये देख सकते हैं आप, ऊपर जाने के लिए सेपरेट है, ऊपर सीलिंग वर्क। और यहां से हम इसके फर्स्ट फ्लोर में दाखिल हो गए हैं और ये नीचे आपको बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क मिल जाता है। सामने इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, कबर्ड्स डिज़ाइन की गई हैं। और साथ में हम इसके सबसे पहले चलते हैं किचन के अंदर। यहाँ पे इसका किचन डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे कबर्ड्स मिल जाती हैं। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी गई है, टाइल वर्क किया गया है, ऊपर और लोअर कबर्ड्स रखी गई हैं, ऊपर सीलिंग वर्क देख सकते हैं आप। और साथ में इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया, टेरेस पे चलते हैं तो टेरेस के ऊपर आप देखेंगे इसकी टाइल वर्क और खूबसूरत सा यहाँ पे इसका टेरेस एरिया डिज़ाइन किया गया, सीलिंग वर्क ऊपर रखा गया बाहर से। और ये आप देख सकते हैं इसका सीटिंग के लिए बेहतरीन यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। साथ में बेडरूम का विजिट करते हैं, फर्स्ट बेडरूम में दाखिल होते हैं और सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है, नीचे टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है, ऊपर सीलिंग वर्क और साथ में इसका अटैच बाथ। बाथ में आपको इंडियन कमोड की ऑप्शन मिलेगी, साथ में यहाँ पे वेंटिलेशन और
कमोड, जो चीज़ें इंस्टॉल होने वाली वो इंस्टॉल करवा देंगे। यहाँ पे वेंटिलेशन सबसे पहले, और फर्स्ट बेडरूम है मास्टर, सामने इसकी थ्री डोर सेक्शन के अंदर वार्डरोब्स मिल जाती हैं, ऊपर सीलिंग वर्क देख सकते हैं खुला। यहाँ पे आपको बड़े साइज का मास्टर बेडरूम मिलता है, ऊपर सीलिंग वर्क, और साथ में यहाँ पे इसका अटैच बाथ, बाथ में दोनों कमोड की ऑप्शन मिलती है आपको, इंडियन कमोड और सीटेड कमोड की। साथ में हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में, थर्ड बेडरूम में सॉरी। नीचे टाइल वर्क, ऊपर सीलिंग वर्क, और साथ में ही यहाँ पे कबर्ड्स मिल जाती हैं आपको फोर डोर सेक्शन के अंदर। ZRK की जो है शीट का इस्तेमाल किया गया, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है, साथ में इसका अटैच बाथ, बाथ में आपको इंडियन कमोड, सीटेड कमोड की ऑप्शन मिलेगी, ऊपर सीलिंग वर्क। अगर हम इस घर की प्राइस की बात करें तो 2,40,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है, जिसमें ये शेट है। इंशाल्लाह आपको ये घर रीजनेबल प्राइस में लेके देंगे। आप हम आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ग्रीन कैब हाउसिंग स्कीम, जो कि मेन फिरोजपुर रोड की बेहतरीन लोकेशन, गजी माता मेट्रो बस स्टॉप के बिल्कुल ऊपर ये सोसाइटी मौजूद है, ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे आप देखेंगे मुकम्मल तौर पर छत के ऊपर मार्बल का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे आपको एक बेडरूम मास्टर बेडरूम मिलेगा, उसके साथ एक जो है बाथ की ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका छोटा सा टेरेस भी डिजाइन किया गया, नीचे सीढ़ियाँ रखी गई जाने के लिए, और यहाँ पे इसका मास्टर बेडरूम सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया मुकम्मल तौर पर, ऊपर सीलिंग वर्क किया गया। 2,40,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है, जिसमें नेगोशिएट है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये घर रीजनेबल प्राइस में लेके देंगे। आप हमारे ऑफिस का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी ऑप्शन दिखाएंगे। हमारे पास मेन फिरोजपुर रोड की बेहतरीन सोसाइटीज के अंदर घर मौजूद है, लो बजट में भी हमारे पास घर मौजूद है, हाई बजट में भी हमारे पास घर मौजूद है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।